दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आपको रूबरू कराया जाएगा शहर के हर हलचल से। खबरों की शुरुआत करेंगे सुविचार के साथ। पथ दर्शक सुविचार पश्चात अब प्रस्तुत है बुलेटिन की हेडलाइंस। अंतिम 6 दिन ही शेष है चुनावी प्रचार के लिए। आज से ठीक 8 दिनों बाद होगा विधानसभा चुनाव का चुनावी मतदान। चुनावी खर्चे में भी अव्वल है दिग्गज प्रत्याशी। खर्चे का ब्यौरा न देने पर कार्रवाई। रवि राणा, डॉक्टर खारकर और संजय बंड ने मुहलत की अवधि में भी नहीं दिया खर्चे का ब्यौरा। 28 लाख है खर्च की मर्यादा। प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग रख रहा पैनी नजर। चुनावी हवा में घुल मिल गई दीपावली की आहट। दीपावली की तैयारियां कर रहे नागरिक, साफ सफाई करने को प्राथमिकता। बाजारों में अगले सप्ताह दिखेंगी दीपावली की रौनक। घर का दरवाजा खुला पाकर 14,000 का लैपटॉप और मोबाइल उड़ाया सेंधमार ने। विजयपुरा थाना क्षेत्र के श्याम नगर में घटी सेंधमारी की वारदात। तो दर्शकों आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। खबरों में अब खबरें विधानसभा के कुरुक्षेत्र से। विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे प्रत्याशियों के पास अब प्रचार के लिए 6 दिनों का ही समय शेष है। इन्हीं 6 दिनों के भीतर प्रत्याशियों को अपनी अपनी प्रचार तोहफे चलानी है। वैसे तो हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने का इरादा रखने वालों की कतारें हैं, लेकिन स्वबल के लड़ाई ने इस चुनावी मैदान को अस्तित्व के लड़ाई का अखाड़ा बना दिया है। कहीं पे आमने सामने की लड़त है तो कहीं पे दुरंगी तो कहीं चौरंगी। विधानसभा चुनाव 2014 के चुनावी प्रचार के बस 6 दिन शेष है। सभी मतदार संघों के गली मोहल्लों में गरज रही प्रचार तोपे इन 6 दिनों बाद गरजना बंद हो जाएंगी। 14 अक्टूबर की रात कत्ल की रात के रूप में गुजरेंगी और 15 अक्टूबर को मतदाता चुनावी मतदान करेंगे। चुनावी प्रचार में समय कम रहा होने से सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी प्रचार में व्यस्त हो गए हैं। इस बार का मुकाबला और तपश्चात आने वाला परिणाम यह चर्चा का मुख्य विषय बना है। गली मोहल्लों, गांव खेड़ों में भी राजकीय चर्चाओं के दौर चल रहे हैं। सिटी न्यूज विधानसभा के इस कुरुक्षेत्र पर पैनी नजरें रखे हैं, जिसका आंखों देखा हाल करता है कि इस चुनाव के परिणाम सबको चौंका जाएंगे। सिटी न्यूज के माझा मतदार संघ कार्यक्रम में निवर्तमान विधायकों ने अपना विजय निश्चित यह दावे किए हैं। अमरावती के विधायक राव साहब ने इस बार दमदार जीत का विश्वास व्यक्त किया। बडनेरा के विधायक रवि राणा भी इस बार भी जनता की ही पहली पसंद मैं ही हूँ कहते हैं। अचलपुर के विधायक भी इस बार हैट्रिक मारने के दावे पर चुनावी अखाड़े में हैं। तिवसा की विधायिका यशोमती अपने कार्यकाल और विकास का हवाला देते थकती नहीं। मोर्ची के विधायक भी अपने विजय को निश्चित मान प्रचार में हैं। अब की बार तो डॉक्टर बोंडे भाजपा प्रत्याशी है। सभी निवर्तमान विधायक इस चुनाव में भी मैदान मारकर फिर विधायक निर्वाचित होने का दाव आजमा रहे हैं, लेकिन वर्तमान विधायकों को कड़ी टक्कर मिल रही होने से इन सबके दावे सच साबित होने के आसार समिश्र है। अमरावती विधानसभा मतदार संघ के प्रत्याशी राव साहब शेखावत, इनका मुकाबला फिर एक बार पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख से हो रहा है। डॉक्टर देशमुख ने विगत चुनाव में अपने शक्ति का परचम लहरा के दिखाया, तब वे चूक गए, लेकिन अब डॉक्टर देशमुख भाजपा के प्रत्याशी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कमल लहराते उन्होंने चुनावी मैदान में आगाज किया, जिससे यहाँ राव साहब और डॉक्टर देशमुख आमने सामने हैं। शिवसेना प्रत्याशी प्रदीप बाजड़, राष्ट्रवादी प्रत्याशी डॉक्टर गणेश खारकर, बसपा के मिर्जा नईम बेग और अन्य निर्दलीय, ऐसे 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रदीप बाजड़ सेना के वोटों के विश्वास पर अखाड़े में हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सभा हुई जिसका असर होगा, यह दावा प्रदीप बाजड़ का है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही होने से राष्ट्रवादी मजबूत होंगी, यह कहते डॉक्टर गणेश खारकर भी अपने घड़ी का परचम मतदार संघ में लहराते अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अमरावती मतदार संघ में मुख्य लड़त है राव साहब और डॉक्टर सुनील देशमुख की। बात बडनेरा मतदार संघ की करें तो यहाँ इस बार भी दिग्गजों का अस्तित्व दाव पर है। 2009 के चुनाव में राष्ट्रवादी प्रत्याशी सुलभाताई को पराजित कर रवि राणा निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। 2014 के चुनाव तक हालात ऐसे बदल गए कि आज रवि राणा राष्ट्रवादी के स्थानीय सर्वे सर्वा बने हैं और राष्ट्रवादी समर्थित स्वाभिमानी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। विगत चुनाव का पराजय विजय में बदलने सुलभाताई ने पंजा थाम लिया है। दो दिग्गज अब यहाँ फिर एक बार आमने सामने हैं। सुलभाताई का दावा शत प्रतिशत विजय का है।
बडनेरा में भी इस बार रवि राणा और सुलभा ताई में ही मुख्य लड़त है। शिवसेना प्रत्याशी संजय बंड विगत साल भर से बडनेरा मतदार संघ में तैयारी कर रहे थे, अब वे विधायक निर्वाचित होने चुनावी मैदान में है। भाजपा सेना अलग अलग चुनाव लड़ रही होने से भाजपा का प्रत्याशी पहली बार बडनेरा के चुनावी मैदान में उतारा गया है। तुषार भारतीय अपने प्रचार में लगे हैं। बसपा के रवि वैद्य, मनसे के प्रवीण डांगे, ऐसे कुल 15 प्रत्याशी बडनेरा का विधायक निर्वाचित होने चुनावी अखाड़े में ताल ठोके हैं। लेकिन बडनेरा में सुलभाताई या राणा, इन दोनों में से एक यह हवा का रुख करता है। कुछ भी हो, इस बार का चुनाव 25 सालों बाद असल अस्तित्व के लड़ाई का अखाड़ा बना है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने सहयोगियों से तलाक लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोकने से अब मतदारों को सारे विकल्प खुले हैं। तलाक तो हुई, अब पुनर्विवाह किससे, यह सवाल भी सुर्खियों में है। फैसला जनता के हाथ है। फैसले की घड़ी है 15 अक्टूबर। फैजलपुरा थाना क्षेत्र के श्यामनगर में मोबाइल और लैपटॉप के चोरी की वारदात पुलिस ने सोमवार की सुबह दर्ज की। सुबह घर का दरवाजा खुला पाकर अज्ञात चोर इस वारदात को अंजाम दे गया। विजयपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के श्यामनगर निवासी रेणु मेश्राम के घर सोमवार की सुबह 14,000 के चोरी की वारदात घटी। रेणु सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई थी, उसके घर का दरवाजा खुला पाकर अज्ञात चोर घर में घुसा और मोबाइल लैपटॉप चुरा ले गया। पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम शिलाला निवासी 45 वर्षीय बब्बू जानराव लांदे नामक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घर में फांसी पर लटका उसका शव दिखा। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दर्शकों, बुलेटिन की अगली खबर। हर रोज लाखों का खर्च कर रहे उन प्रत्याशियों की जो चुनावी मैदान मारने अपने प्रचार में लगे हैं। धुआंधार प्रचार में रोज लाखों का खर्चा चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी अपना चुनावी खर्चा दिखा रहे हैं तो कुछ छिपा रहे हैं। ये हम नहीं, चुनाव विभाग कर रहा है। विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशी को अपने रोज के खर्चे का पूरा ब्यौरा रोज देना बंधनकारक है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के सख्त आदेश दिए हैं, जिसके चलते महकमा कार्रवाई में दक्षता बरत रहा है। चुनाव महकमे ने हालिया कार्रवाई के तहत कई दिग्गज प्रत्याशियों को शोक आउट जारी किए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी रवि राणा, संजय बंड और अमरावती से डॉक्टर गणेश खारकर को चुनाव महकमे ने रोज का खर्चा नियोजित समयावधि में ना बताने को लेकर जवाब मांगा है। एक दिन की मोहलत भी इन तीनों प्रत्याशियों को दी गई थी, लेकिन सोमवार के 3 बजे तक इन प्रत्याशियों ने चुनाव खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया था। अब चुनाव महकमा इन प्रत्याशियों पर कार्रवाई का कौन सा कदम उठाता है, ये देखना है। चुनाव विभाग ने जब रवि राणा, गणेश खारकर और संजय बन को शोकॉज दिए, तब तक जिन प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव खर्चे का ब्यौरा दिया, उनमें खर्चे के लिस्ट में राव साहब शेखावत पहले नंबर पर है। 3 अक्टूबर तक के खर्चे के आंकड़े चुनाव महकमे ने दिए हैं। उन आंकड़ों अनुसार राव साहब शेखावत ने अब तक 4.25 लाख रुपये खर्च किए हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर देशमुख ने 71,000 रुपये खर्च होने का ब्यौरा दिया है। सुलभा ताई ने अब तक 97,000 रुपये खर्च किए हैं, तो तुषार भारतीय ने अब तक के खर्चे का ब्यौरा 33,000 रुपये दिया है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी अपने प्रचार पर लाखों का खर्च कर रहे हैं। कुछ छिपाया जा रहा है तो कुछ दिखाया जा रहा है। बस अमरावती विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील देशमुख की मतदार संघ में प्रचार पद यात्राएं शुरू है। प्रचार में केवल सप्ताह भर का ही वक्त बचा होने से प्रचार की गति भी बढ़ चुकी है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की सीट पर चुनावी मैदान में उतरे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदारों से विजय की अपील करते प्रचार पद यात्राएं कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से प्रचार की शुरुआत कर अब डॉक्टर देशमुख ने विलासनगर क्षेत्र में प्रचार पदयात्रा की। इलाके भर पदयात्रा कर डॉक्टर देशमुख ने मतदारों से आशीर्वाद लेकर वोट मांगे।
आगामी दिनों में 88वां अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन अध्यक्ष के लिए साहित्यिक पुरुषोत्तम नागपुरे ने उम्मीदवारी दायर की। एक पत्रवार्ता कर उन्होंने उक्त जानकारी दी। मानवावीय साहित्य हे प्राचीन मराठी साहित्य आहे आणि पंजाबमध्ये मानवाव साहित्यिक तिथे लोकप्रिय आहे। माझे ग्रंथ तिथे लोकप्रिय आहे। मराठीतून असले तरी तिथले लोक वाचतात। ते म्हणतात की आमची देववाणी आहे, मराठीला ते देववाणी समजतात। आणि या देववाणी लिहिलेले ग्रंथ, तिथल्या लिहिलेल्या आज्ञा, सर्व प्रकारचे धार्मिक विधी ते मराठीतून करतात। आणि मी जर अध्यक्ष झालो तर त्या ठिकाणी आम्हाला प्रेक्षकांची श्रोत्यांची चंचल अनेक लोक येतील। आणि अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से सेना के तीर कमान के साथ चुनावी मैदान में उतरे प्रदीप बाजल अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार पदयात्रा कर मतदारों से मतदान की अपील कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उडाली क्षेत्र में पदयात्रा की। अमरावती मतदार संघ में चुनावी मैदान में उतरे सेना प्रत्याशी प्रदीप बाजल अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार पदयात्रा कर मतदारों के आशीर्वाद ले रहे हैं। हाल ही में प्रदीप बाजल ने सेना पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं समेत शहर के वडाली क्षेत्र में प्रचार पदयात्रा की। इस बार अमरावती मतदार संघ पर शिवसेना का परचम लहराने की मंशा प्रदीप बाजल ने व्यक्त की है। इस वर्ष के विधानसभा चुनाव नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के साथ संपन्न हो रहे होने से त्योहार और चुनावी ज्वर साथ साथ है। चुनावी सरगर्मी में दिवाली की आहट महसूस तो हो रही है, लेकिन दिवाली से पहले चुनाव रहने से चुनाव को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अगले सप्ताह से बाजार दीपावली के खरीदारी से गुलजार होंगे। धूमधाम से प्रकाश पर्व दीपावली पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष का प्रकाश पर्व दीपावली का त्यौहार बस चंद दिनों पर है। 21 अक्टूबर के धनतेरस से दीपावली के त्यौहार की शुरुआत हो रही है। 23 अक्टूबर को दीपावली का लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। दीपावली यानी सारे त्योहारों में सबसे मुख्य त्यौहार। अमावस की रात भी दीपावली के दीपों से झगमगाहट भर जाती है। आतिशबाजियों से आनंद की लहरें उठती है। ऐसा खुशियाँ बांटने का त्यौहार है दीपावली। दीपावली के साजो सामान बाजारों में पहुँच गए हैं। आकाश दिए, झाड़ू, सजावटी साहित्य, जिस जिस चीज की डिमांड होती है वो सब कुछ बाजारों में निरंतर पहुंच रहा है। अगले सप्ताह में दीपावली की धूम चरम पर होगी। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार मैदान मारने की रणनीति के तहत रवि राणा का प्रचार शुरू है। निर्वाचन क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा और प्रचार सभाएं रवि राणा कर रहे हैं। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के माता खिड़की आनंद नगर क्षेत्र में विधायक रवि राणा ने चुनावी प्रचार पद यात्रा कर मतदारों से आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद यात्रा से रवि राणा अपने चुनावी प्रचार में बढ़त बनाए हैं। जाहिर प्रचार सभा कर रवि राणा ने मतदारों से दूसरी बार दमदार जीत की अपील की। या मतदार संघामध्ये अनेक लोकांनी अंदर की भोगली, पण आजपर्यंत गरिबांना काय मदत केली पाहिजे, गरिबांचे प्रश्न असतात, कोणाचं लग्न आहे, कोणाची बिमारी आहे, कोणाचं शिक्षण आहे, कुठली परिस्थिती आहे, त्या ठिकाणी रवि राणा नुकसान झालं त्या ठिकाणी पोहोचून त्यांना जे मदत करायची केली।